करते हैं इंटरमीडिएट की बुनियाद पर एंटी करप्शन में जॉब आई हुई हैं, और अच्छी बात यह है कि इसके लिए उम्र की जो इन्होंने रिलैक्सेशन दी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो तकरीबन आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट भी इन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि आपके पास होनी चाहिए, ये नहीं कहा कि FSC है, FA जॉब है। बहरहाल जॉब कौन सी है, स्केल क्या है, सैलरी क्या होगी, टेस्ट किस तरह का होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट आपको कौन सा है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट लाहौर, और जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क की। इसका जो स्केल है वो 11वां स्केल है और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 5 ईयर्स, लेकिन बाद में परमानेंट कर दी जाएगी। तो हम बात करें, ये नज़र आ रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन फ्राम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो 12 साल तालीम के बराबर है तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, और ये कोई ज़्यादा बड़ी टाइपिंग स्पीड नहीं है, नॉर्मल आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर 12-15 दिनों में आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। इसके साथ आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के इस्तेमाल भी अच्छे से आने चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में, साथ में आप लोगों ने इंटरव्यू में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन करने होंगे। मेल्स की बात करें तो एज आपको बता रहा है 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके साथ आपको बता रहे डोमिसाइल कौन कौन सी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसके 600 रुपये ज़ाया होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। पेपर की बात करें तो आपका एक ही पेपर होगा MCQ का, जिसमें आपके पास 80% जो है वो पेपर कहाँ से आएगा, जनरल नॉलेज का होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ का, करंट अफेयर्स का, इस्लामिक स्टडीज़ का, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस, 80 MCQs इसमें से होंगे। और 20% MCQ यानी कि 20 MCQs आपका जो है वो कंप्यूटर का होगा MS ऑफिस से। तो दोस्तों ये आपकी जॉब से है, अप्लाई आपने कैसे करना है, कब तक करना है, लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की 5 अगस्त है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का तरीकाकार के PPSC.gov.pk पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, वीडियो भी नज़र आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करके पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं कि PPSC में किसी भी जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में मैंने आप, अच्छा सैलरी की बात करें तो 11वां स्केल है PPSC में, लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो एटलीस्ट 40+ होगी, तो 35-40 हज़ार से आपको स्टार्ट मिल जाए 12वीं करने के बाद। तो आप लोगों को ज़रूर इसकी ट्राई करनी चाहिए और आगे के लिए कोई ना कोई बेहतर ऑप्शन देखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए। इजाज़त दें अपने हुस्न सुल्तान को, अल्लाह हाफिज़।